नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी तो सर जो दर्शक आपको कैमरे की नजर से देख रहे हैं सर, इन्हें अपना छोटा सा पहले परिचय बताइए और अपनी जगह का नाम बताइए सर, किस जगह से आपका फार्म है। जी नमस्कार सर, मेरा नाम अनुज चौधरी है, मैं खेड़ा ठाणा जिला बागपत का रहने वाला हूँ। जी जी तो सर आपने जो अपना पोल्ट्री फार्म कब स्टार्ट किया था, लगभग कितना समय से आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हो सर? मैं पोल्ट्री फार्म कर रहा हूँ जी 1.5 से 2 साल हो जी। पोल्ट्री फार्म में आपका आना कैसे हुआ सर? पोल्ट्री फार्म में ऐसे ही हुआ जी, एक दो जगह विजिट किया, अच्छा लग गया मुझे जी, तो देसी में ही आना चाहा मैंने, ब्रॉयलर को छोड़ के। जी ब्रॉयलर को छोड़ के आपने देसी ब्रीड पे सर काम स्टार्ट किया। जी जी जी। तो आपका जो ये पोल्ट्री फार्म है, लेयर पोल्ट्री फार्म है सर, क्या है सर? लेयर पोल्ट्री फार्म है जी। शुरुआत की बात की जाए, आपने शुरुआत में कहाँ से की थी, कौन से ब्रीड से की थी सर? शुरुआत की थी जी मैंने कड़कनाथ से। अच्छा कड़कनाथ से। कितने लेकर आए थे सर आप? मैं लेकर था जी 200 से 250 पर। 250 जी जी। आप करंट की बात कीजिए, आपके पास सर क्या क्या है सर फिलहाल? अभी मेरे पास है जी सोनाली और कड़कनाथ। कड़कनाथ। डेली का लगभग कितना अंडा ले रहे हो सर इनसे आप? 300+ अंडा आ रहा है जी। 300+ अंडा आ रहा है। तो लगभग डेली के सर कितने रुपए की अपनी जो अर्निंग कितना जनरेट कर रहे हो सर आप? 3 से 4 हजार के आसपास डेली के, प्रति डेली बन रहे हैं सर। जी जी जी। तो इसमें जो आपका सर ये स्ट्रक्चर है, इसमें आपका जब आपने शुरुआत की थी कितने रुपए का खर्चा आया था सर? इसमें शुरुआत में आया था जी मेरे को 1.5 से 2 लाख रुपए। इसकी क्या लंबाई क्या चौड़ाई ली थी सर आपने? लंबाई है जी इसकी 50 फुट, चौड़ाई है इसकी 25 से 27 फुट के बीच। 25 से 27 फुट के बीच है। जी जी जी। और इसके साथ आपने इसका एक रेस्ट रूम भी बनाया हुआ सर अपना? जी। वो भी सर इसमें इंक्लूड है सर? जी जी इसमें इंक्लूड है सर। जी तो सर आपका जो फार्म है जी, और आपने ब्रीड रखी हुई है, तो जो ब्रीड आपने रखी है सोनाली और कड़कनाथ, कैसी ब्रीड है सर ये? सर जी ब्रीड एक नंबर है, कड़कनाथ भी और सोनाली भी, इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा है इनकी। सोनाली ब्रीड की बात की जाए सर, ये कितने दिन में सर अंडा देने लगती है? अंडा 5.5 से 6 महीने पे अंडे पे आती है जी। जी लगभग अंडे आने तक कितने रुपए का फीड खा लेती है सर ये? 450 रुपए का फीड ले लेती है जी। जी तो ये जो सोनाली ब्रीड है, कैसी ब्रीड है सर ये? बढ़िया ब्रीड है जी, इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया जी, बीमारी नहीं इसमें कुछ ज्यादा जी, देख रखाव भी ज्यादा है, कुछ नहीं है, नॉर्मल देख रखाव करो इनका, कुछ दिक्कत नहीं है। जब आपने अपने फार्म की शुरुआत की थी जी, कौन कौन सी दिक्कत आई, जैसे नया किसान भाई है ऐसे करता है तो कौन कौन सी दिक्कत आती है, जब आपको भी दिक्कत आई होगी सर? जी जी। क्योंकि हर किसान को दिक्कत आती है, तो आपको कौन कौन सी दिक्कत आई इन्हें बताइए थोड़ा, इसमें आप इनसे कैसे बाहर निकले आप? जी मैं जैसे काम चलता रहा जी, ऐसे नॉलेज होती रही, शुरुआत में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे हुई नहीं जी, ना मेरे बच्चा मरा कुछ, क्योंकि आप बड़े, एक तो बड़े ले गए सर जी, बर्ड 6 महीने का तैयार बर्ड था जी मेरे जी पास। जी जी। तो आपको ज्यादा थोड़ी बहुत CRD की दिक्कत आई जी मुझे। CRD सर कब आती है और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए सर? CRD आती है जी अगर साफ सफाई ना हो, गैस मंडी हो या टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा हो जी जी, तो इस वजह से CRD की बीमारी आ जाती है जी जी। तो शुरुआत में इतना अनुभव नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, तो दिक्कत में नहीं मुझे शुरुआत में, 2-4 बच्चे मरे भी मेरे जी, मरे भी जी। अब कैसा चल रहा है सर आपका फार्म? अब बढ़िया है जी, अब कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या पिलाना सर आपका सब? आगे बढ़ाना ही है जी सर बस। अच्छा अच्छा, आगे बढ़ाना है। हाँ जी। तो लेयर ही रखोगे सर? लेयर और मीट पर्पज से दोनों से चल रहा है। आपका मीट पर्पज से भी करोगे सर? हाँ जी। लगभग सर अंडा कितने दिन तक देती है सोनाली? 2 साल के आसपास दे देती है। और एक साल में लगभग कितने अंडा देती है सर ये? एक साल में आप ये लगा लो जी 250-260 अंडा ये दे देती है। हाँ जी जी। बताने को कितने ग्राम का अंडा देती है सर ये आप? अंडा शुरुआत में तो छोटा देती है जी। जी जी। 35-36 ग्राम 40 ग्राम, तो जैसे अंडा देना 2-4-5-7 बार दे देती है, तो अंडा बढ़ता रहता है। जी जी। और फीड की बात की जाए, आप इन्हें कौन सा फीड दे रहे हो फिलहाल सर? मैं लेयर फीड खिला रहा जी ने। लेयर फीड जी। लगभग 100 रुपए किलो चल रहा है सर फीड ये? ये 50 किलो का कट्टा आता है जी 1350-1400 रुपए का जी। 1350-1400 रुपए। हाँ जी। कहाँ से लगा रखे सर जगह की जगह? जब मुर्गियाँ बैठी हुई सर, क्या बेनिफिट है सर? ये मुर्गी स्वस्थ रहती है जी, इस पर खुश रहती है ऊपर बैठ के। अच्छा, ऊपर बैठ के खुश रहती है। तो लगभग कितने कैपेसिटी का सर ये फार्म है आपका? ये 1000 से 1200 का है जी। 1000-1200 का है सर? हाँ जी। और कितने 100 मुर्गियों पे सर कितने ड्रिंकल और कितने फीडर काम करते हैं सर? 100 पे जी ये मान लो आप 3 फीडर और 3 ड्रिंकल काम करते हैं जी। काफी अच्छा सेटअप है।
तो और थोड़ी जानकारी दीजिए, नया किसान है यदि मुर्गी पालन करना चाहता है तो कौन कौन सी सावधानी रख के इसे सक्सेसफुल कर सकता है अपने फार्मिंग को सर? यही है जी, साफ सफाई रख के, जी जी, टाइम पे मेडिसिन वगैरह वैक्सीन वगैरह देखता रहे, तो बस यही है जी, सावधानी तो अपने आप काम करना पड़ेगा जी। और लेबर के भरोसे नहीं काम चलता। अच्छा, लेबर के तो अंडे की जगह आप सर अंडे आपके वहां से उधर कहाँ सेल कर रहे हो सर? अंडा फार्म से उठ रहा जी। अच्छा, फार्म से चला जाता है। क्या आपने प्रचार वगैरह करा था सर क्या इसका? माउथ टू माउथ प्रचार हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, तो किसान भाइयों इस वीडियो का ही सब खत्म करते हैं। तो सर जी के दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करें, यदि कोई भी इंक्वायरी है तो हमें कमेंट करें, और सर जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप सब सर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर एक बार नंबर और बता दीजिए अपना। जी मेरा नंबर है सर जी 8979795152। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद।